वेलकम। आज हम लोगों का टॉपिक है रिग ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिल्स एंड ड्रिल फ्रीक्वेंसी। के रिग में जो ऑफशोर ऑनशोर जो रिग होते हैं, ड्रिलिंग रिग होते हैं, वर्कओवर रिग होते हैं, तो उस रिग में कौन कौन सा ड्रिल होता है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक ड्रिल से दूसरे ड्रिल के बीच में कितने दिन का, कितने वक्त का, कितने टाइम का गैप है। That is called the frequency. और ट्रेनिंग का जो टॉपिक्स है, जो एलिमेंट्स है, नंबर वन इज व्हाट इज ड्रिल एंड मॉक ड्रिल, एम ऑफ द ड्रिल, टाइप्स ऑफ ड्रिल एंड फ्रीक्वेंसी इन द रिग, फॉर्मेशन ऑफ टीम्स एंड सेफ्टी पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्रिल। सबसे पहले जो हमारा डिफिनेशन है वो है कि व्हाट इज ड्रिल और मॉक ड्रिल। ड्रिल को मॉक ड्रिल भी कहते हैं। सो ड्रिल एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक तरह का एक्सरसाइज है कि हम अपने आप को तैयार करते हैं, हम अपनी इफिशिएंसी को देखते हैं कि हम किस लेवल तक प्रिपेयर है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये एक तरह का एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है कि जब हम इसको बार बार ड्रिल को प्रैक्टिस करते हैं अपने वर्क एरिया में, अपने रिग साइट में, तो हम देखते हैं कि हम इमरजेंसी से लड़ने के लिए पूरी तरह से, इमरजेंसी पे काबू का पाने के लिए, ताकि कोई हजार्ड ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो हमारे वर्क एरिया में, रिग साइट में, हम पूरी तरह से सक्षम और इफिशियंट है या नहीं है। और वो इमरजेंसी किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि फायर इमरजेंसी, H2S रिलीज इमरजेंसी, और मेडिकल इमरजेंसी, कभी कोई वर्कर रिक्रू काम करते करते गिर सकता है, कोई किसी मेडिकल रीजन से इंजर्ड हो गया, तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है कि अपने एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए कि हम इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए किस लेवल तक प्रिपेयर हैं। एम ऑफ द ड्रिल, ड्रिल का एम क्या है, मकसद क्या है, टू इवैल्यूएट रिस्पॉन्स कि हमने कैसा रिस्पॉन्स दिया, हमारा रिस्पॉन्स कैसा था। अगर कहीं पे हमने ड्रिल को प्रैक्टिस किया, अगर हमने और एक हमने एक सोचा कि फॉर एग्जांपल कि फायर है कहीं पे हमने सोचा कि उधर एक पर्टिकुलर पॉइंट में, वर्क एरिया में फायर है, तो हमने कितने देर में हमारा जो फायर टीम का क्रू मेंबर है उसने फायर सूट को पुट ऑन किया और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वो लोकेशन में पहुंचा, कैसे हमने कितने इफिशियंसी के साथ और कितने टाइम लगा हमको ये सब रिस्पॉन्स करने के लिए। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट्स एंड विद द टीम। क्या होता है कि जब हम बार बार ड्रिल को करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन है एक टीम से दूसरे लोगों के साथ, या फिर अगर जितने भी क्रू मेंबर हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्रू मेंबर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले टीम में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फायर टीम में होता है, कोई बैकअप टीम में होता है, उसके बाद कोई सर्च एंड रेस्क्यू टीम में होता है, ठीक है, उसके बाद एक पर्सन होता है जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि तुमको हेड काउंट करना है, और इसके लिए ये काम दिया जाता है मेल नर्स को, रिक का जो मेल नर्स होता है, मेडिक होता है, उसको दिया जाता है कि तुमको असेंबली पॉइंट में तुमको हेड काउंट करना है। उसके बाद बाकी लोग जो है वो अपना टी कार्ड लेकर, जो अपना टी कार्ड लेकर वो लोग को जाना है, पहुंचना है असेंबली पॉइंट में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ वो कैसा है, और उसके साथ बार बार उसको करने से ये प्रैक्टिस को, और हमारी प्रैक्टिस की वजह से हमारे रिस्पांस प्रोसीजर को और इफिशियंट बनाता है। 25 इज इफिशियंसी ऑफ एसओपी, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको हम पढ़ते हैं, जो एडवाइज्ड प्रोसीजर है तो उसको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं,
तो इससे हम हमारे सेफ्टी नॉलेज में भी इजाफा होता है। टू एनहांस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड फास्टर, ये क्या करता है कि जब हम ड्रिल करते हैं और बार बार ड्रिल करते हैं तो हमको रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है उसको और कम करते जाता है, ताकि हम जब किसी चीज को बार बार करते हैं तो उसको उसमें हम परफेक्ट होते जाते हैं, तो हमको फिर वो बाद में करने में कम वक्त लगता है, तो हम लोग फास्टर करते हैं फिर उसको बार बार करने की प्रैक्टिस करने की वजह से। अच्छा, ये है कि टाइप्स ऑफ ड्रिल एंड फ्रीक्वेंसी इन द रिग। रिग में कौन कौन से ड्रिल होते हैं और कितने कितने गैप में वो होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है उनका। जैसे फायर ड्रिल एट कैंप, कैंप मतलब ये मेन कैंप है, मंथली। फायर ड्रिल एट रिग साइट वीकली। मैन लॉस्ट सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल ईयरली। और ये जो पर क्रू है, पर क्रू मींस के दोनों क्रू मतलब रिग में दो शिफ्ट होते हैं, एक शिफ्ट 12 आवर्स का होता है, दूसरा शिफ्ट फिर 12 आवर्स का होता है, तो दोनों क्रू के साथ ये ड्रिल करना जरूरी है। मैन डाउन इंजरी ड्रिल फर्स्ट एड ड्रिल क्वार्टरली, कंफाइंड स्पेस रेस्क्यू ड्रिल क्वार्टरली, H2S रिलीज इमरजेंसी ड्रिल वीकली, H2S रेस्क्यू ड्रिल क्वार्टरली, ऑयल स्पिल क्लीन अप ड्रिल ट्वाइस पर ईयर, BOP ड्रिल वीकली, पिट ड्रिल ट्वाइस वीकली, ट्रिप ड्रिल ट्वाइस वीकली। अच्छा, ये रिग में हम टीम बनाते हैं, टीम फॉर्म करते हैं, फायर टीम। और इसमें 4 लोग होते हैं, 4 रिक्रू होते हैं फायर टीम में। एक होता है, इसके बाद होता है एक बैकअप टीम। अगर फायर टीम फायर पुट ऑन एक्सटिंग्विश करने के लिए गई है, उनको अगर बैकअप चाहिए, हेल्प चाहिए, तब बैकअप टीम इस्तेमाल किया जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम का काम होता है अगर कोई इंजरी हो गया है, कोई विक्टिम है, तो उसको सर्च करना। H2S अगर रिलीज हुआ है, कोई विक्टिम है, किसी को H2S लग गया है, तो सर्च और उसको रेस्क्यू करना और उसको असेंबली पॉइंट में लेके आना। और फर्दर उसको अगर क्या एडवाइस है मेडिक का, मेल नर्स का, उसके लिए, तो इसका काम होता है सर्च एंड रेस्क्यू। अच्छा, ये जो है कि सेफ्टी पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्रिल, क्या क्या सेफ्टी पॉइंट इसमें होने चाहिए। कि पहला है कि जितनी भी रिक्रू है उन सबको ड्रिल में पार्टिसिपेट करना है। सारे अगर हम कैंप में भी, मेन कैंप में भी फायर ड्रिल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइट शिफ्ट वाले लोग दिन में सोते हैं, लेकिन हमको ये इंश्योर करना है कि सारे लोग, ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द मेन कैंप, और रिक्रू के साथ साथ जो कैटरिंग के, जो मेस के जो क्रू होते हैं, उन सबको ड्रिल में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इसी तरह से अगर रिग साइट में अगर हम लोग किसी भी तरह का ड्रिल करते हैं, तो सारे क्रू को रस्ट अबाउट से लेकर कंपनी मैन तक को, सारे क्रू को पार्टिसिपेट करना जरूरी है ड्रिल में। अच्छा, ड्रिल हमको ऐसा करना है कि जैसे कि लगे ये कि कोई सच का कोई घटना है, ये सच का कोई इमरजेंसी है। जितने भी ड्रिल होंगे वो सारे जो है डॉक्यूमेंटेड होंगे, और उनको जो रिपोर्ट होता है डेली मॉर्निंग का ड्रिलिंग एवर का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में मेंशन करना होता है, ठीक है, ये ड्रिल के बारे में। और हर रिक जो कॉन्ट्रेक्टर होता है उसका एक अपना ड्रिल रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में इस ड्रिल को मेंटेन करना रहता है, मेंशन करना होता है, लिखना पड़ता है उसमें। जैसे फायर ड्रिल के लिए, H2S ड्रिल के लिए, पिट ड्रिल के लिए, ट्रिप ड्रिल के लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब कंपनी मैन, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिल है, जैसे कोई ड्रिल अगर फॉर एग्जाम्पल वीकली होता है, तो उसको वो चेंज भी कर सकता है, अगर वो देखे कि जो रिक्रू है वो सही रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसको बहुत टाइम लग रहा है और उसके रेस्पॉन्ड में बहुत सारी कमियां हैं, तो वो क्या करता है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकता है। कि अगर वो वीकली है तो बोलेगा नहीं कि ये वीक में 2 बार करो, कि जब तक तुम लोग परफेक्ट नहीं होगे इसमें, तब तक तुम लोग इसको वीकली नहीं, वीक में 2 बार करोगे। तो कहने का मतलब उसको ये अथॉरिटी होती है कंपनी मैन को कि वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है अगर क्रिक क्रू का रिस्पॉन्ड
जो है वो सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो अच्छा, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब कंपनी मैन, वो जो है वो रिक्रू का जो ड्रिल है वो कितना टाइम ले रहा है वो सब वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और जब ड्रिल खत्म हो जाएगा तो फिर वो बताएगा, कि वो भी बताएगा अपना एडवाइस के आप लोग कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या क्या चीज को आपको सुधारना है, वो सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। अच्छा, हर रिक का अपना एक मेडिकल इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू प्रोसीजर होना चाहिए, एंड फायर अटैक प्लान होना चाहिए, हर रिक का अपना H2S कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। अच्छा, जब भी ड्रिल हो तो पहले से जो है ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना है अपने क्रू को कि अभी अभी हम ड्रिल करने वाले हैं, ठीक है। और अगर हमको और कोई अगर मिसिंग है उसमें रहेगा अगर उस ड्रिल में, तो दूसरे लोगों को नहीं बताना है कि फलाना आदमी या मिस्टर जॉन जो है वो मिसिंग रहेंगे, ठीक है ना। सब चीजें एक सरप्राइज होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये एक ड्रिल नहीं है, एक इमरजेंसी है, रियल इमरजेंसी है, ताकि सब लोग जो अपनी ड्यूटीज को है वो सही तरीके से जो है करें, फुलफिल करें और अदा करें। अच्छा, सारे लोग जो है उन जो रिक्रू है वो अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, कि इमरजेंसी में हमको क्या करना है, कि अगर कोई किसी रिस्पॉन्स टीम में है तो उसको अपना जिम्मेदारी को निभाना है, अगर कोई रिस्पॉन्स टीम में नहीं है दूसरे लोग हैं तो उनको कोई अगर इलेक्ट्रिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉसिबल है तो उनको अपना टूल स्विच ऑफ करना है, मशीन टूल स्विच ऑफ करना है, और फिर उनको मस्टर पॉइंट में जाके जमा होना है, खड़ा होना है वहां पे ताकि हिट काउंट हो। और यहाँ पे अगर एक बात और है कि अगर वो H2S रिलीज अगर ड्रिल है तो सारे लोगों को ये ध्यान देना है कि वो अपविंड डायरेक्शन में जो मास्टर पॉइंट है वहां पे जाके रिपोर्ट करें। अच्छा, जितने भी ड्रिल होते हैं सारे जो ड्रिल होते हैं वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ताकि हम देखें कि हमारे ड्रिल में इस ड्रिल में कहाँ कमी है, ताकि उस ड्रिल अगले ड्रिल में हम इस कमियों को दूर करें प्रैक्टिस करके, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन फिल होगा, जो ड्रिल फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने कहा कि हर हर कंपनी का अपना एक ड्रिल फॉर्मेट होता है, तो ये जो फॉर्मेट जो फिल होगा ये जस्ट आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द ड्रिल, और ये वर्क लोकेशन उसी साइट में होगा जहाँ पे ड्रिल वाइंड अप हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ड्रिल जब खत्म होता है तो वहां पे जो सेफ्टी ऑफिसर होता है और उसके साथ जो कंपनी मैन होता है, तो वो लोग डिस्कस करते हैं, एड्रेस करते हैं सारे रिक्रू को, कि हमने जो ड्रिल किया ये हमारा ड्रिल कितना कामयाब है, हम कितने सक्षम है, कितनी इफिशियंट है, हमें कहाँ कमियां रही, तो इस कमियों को हमको कैसे पूरा करना है, दूर करना है, अगले ड्रिल में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, और कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, इम्प्रूवमेंट लाने की किसकी किसकी जिम्मेदारी है, ये सब चीज हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे, ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि हम हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है, खराब है, खराब है तो कितना खराब है तो कितना अच्छा करना है हमको, कैसे अच्छा करना है हमको, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाती हैं, सारे लोगों के जहन में ये बात बताई जाती है। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन हम जो ड्रिल फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे टाइम, किस टाइम में ड्रिल हुआ, डेट, लोकेशन ऑफ ड्रिल, टाइप ऑफ ड्रिल, टाइप ऑफ ड्रिल का मतलब है कि वो फायर ड्रिल था, वो H2S ड्रिल था, वो ट्रिप ड्रिल था, वो BOP ड्रिल था, रिस्पॉन्स टाइम एंड रिजल्ट्स ऑफ ड्रिल, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट, मतलब कौन कौन से एरिया में हमको इम्प्रूव करना है और ये किसकी किसकी जिम्मेदारी है कि उस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने का, अमल में लाने का। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।